आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बड़े फैसले निकल के आ रहे हैं, दो बड़े अपडेट जिसे आप दो नियम कह सकते हैं। देखिए कौन ने फैसला सुनाया है। माता और पिता की संपत्ति की और बेटे का इस स्थिति तक कोई हक नहीं। बंटवारा करते समय इस चीज का रखना होगा ध्यान। जी हाँ, माता पिता की संपत्ति और बेटे के अधिकार को लेकर एक एक बड़े अपडेट निकल के आ रहे हैं, जिसे देश के हर एक बच्चे बच्ची को जरूर जान लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और किसी माँ बाप की बेटा बेटी है, तो यह खबर आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया गया है। संतान को नहीं मिलेगी पेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी ही सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति की मौत के बाद गोद लिया बच्चा सरकारी पेंशन का हकदार नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यह देखिए पूरा मामला, डिसीजन निर्णय आपको बताऊंगा। साथ ही माता पिता की संपत्ति में बेटे के अधिकार को लेकर वह नया कानून लेकर भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहना है, मान लीजिए कोई एक सरकारी कर्मचारी उस कर्मचारी का निधन हो जाता है। सरकारी कर्मचारी निधन के बाद ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन योजना के मुताबिक विधवा पत्नी को पेंशन मिलती है। एमपीएस में भी कुछ इस तरह की सावधानियां हैं, लेकिन आज कुछ न्यायालय शीर्ष अदालत ने कहा कि हिंदू इन्वॉइसेशन एंड मोनिटेंस एक्ट HAMA 1956 की धारा 8 और 12 तक हिंद महिला को अनुमति देती है कि अगर महिला के नाबालिग है या मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है तो वह एक बेटा या बेटी को गोद ले सकती है। लेकिन इस एक्ट के तहत एक हिंदू महिला अपने पति की सहमति के बिना बच्चा या बच्ची को गोद नहीं ले सकती। और समझ रहे हैं ना, ऐसे केस में क्यों, पति को तो डेथ हो चुकी है तो मरे हुए पति की सहमति कैसे लेगी महिला। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यह कहना है कि पति की मौत के बाद गोद लिया बच्चा सरकारी पेंशन का हकदार नहीं।